हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो मैं नीलम स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के अपने एक नए ब्लॉग पे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं मॉर्निंग के 10 बजे से और मेरे घर के मेरे रूम से। तो गाइस, मैं हो चुकी हूँ तैयार अपनी बुआ जी के घर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे है नामकरण का प्रोग्राम मेरे भतीजी का। तो वहाँ पे मिलने वाले हैं काफी सारे लोग, मेरे मायके की फैमिली और बुआ लोग और बहुत सारे रिश्तेदार भी होंगे वहाँ पे। तो चलिए आप लोगों को मिलाते हैं वहाँ पे, दिखाते हैं आप लोगों को वहाँ का माहौल। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग पे और चलिए फिर हम लोग चलते हैं वहाँ पे। और हाँ, ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज ब्लॉग को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। जाना था मेरे को बुआ के घर और पहुंच गई हूँ मैं ये छुटकी के पास। तो हम लोग दिखा रहा हूँ यहाँ पे आए थे इसको लेने के लिए। ये देखो बजाल, ये है बजाल, ला रहा हूँ बजाल। थोड़ा समझाऊंगा देखो अकेली कैसे कर रही है। और सुना, ये देखो कहाँ जा रहा है। ये है मेरी छुटकी। तो हो रही है हमें देर, हम लोग जा रहे हैं नामकर पे। और हाँ, आप लोग को एक बात बताना भूल गई कि आज मैं लेके आई हूँ अपने भतीजे को, क्योंकि पति देव थे बुकिंग पे। तो ये कितना हंस रहे हैं, ये देखो तैयार होके जाने वाले ये लोग दिख रहे हैं। ये देखो चश्मा लगा के और ये खा रही है कुरकुरे, इसलिए कोई ले लेगा तेरे कुरकुरे। जो छोटे बहुत दिन बाद आओ जो ये देखो ये भतीजे हैं और आज इनकी जोड़ी जमने वाली है, क्योंकि कह रहा है बहुत दिनों के बाद आए हैं ना मेरे भतीजे। और भतीजे का नाम है सत्यम सिंह, पर इनको ना प्यार से छोटू छोटू बोलते हैं। तो जब मैं कह रही थी सत्यम, तो ये कोई नहीं जान रहा था कि सत्यम कौन है, क्योंकि हमारे लाल प्यार का नाम है सत्यम सिंह। ये देखो ये अपनी बुआ से बात कर रही है, छोटी बुआ से, छोटी बुआ और मेरे से बात नहीं कर रही है ये। ये देखो इससे बात कर रही है, छोटी बुआ ये सिखा रही है। क्या दिखा रही हीरोइन, कहते दिखा रही हीरोइन उनके चिट्टे थोड़वा वैसे। ये देखो ये लड्डू में भी गुमसुम होगी अपनी बुआ को, चुनरी में रहने बार बजे बार बार इसको देखने का मन कर रहा है। ये देखो इसके हो गए 2 महीने पूरे। अरे चल रही मेरी दीदी, मेरी दीदी जानने मिला लो कहां में सोने हैं। चल रही है तो इसके 2 महीने हो गए और मुझे इसको लेने भी बाबू देसी मत क्या कर रजू। हां मुन्नू है ये देखो, ये देखो ये भी क्या कौन है, ये यू भी है देखो। तो हम लोग चल रहे हैं अब नामकर पे और आप लोग को दिखाते हैं वहीं पे, वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, काफी सारे मेहमान होंगे। तो चलते हैं फिर हम लोग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शोर कर रही है। चलो चलो चलो, तो जा रही हूँ मैं अभी। नमस्ते फुवा, नमस्ते, चलाए आप कर हाय बाय बाय। नमस्ते, चलो का कैमरा मुरक जाता तो करता है बाबा। फुआ नमस्ते, हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी सबसे छोटी वाली बुआ के घर में। और ये मेरी सबसे छोटी वाली बुआ, तो देखो मेकअप चल रहा है इसका, अभी तैयारी हो रही है। और ये मेरी छोटी बहन है, ये कह रही है कि फुआ तो गोरी हो गई है, देख तो फुआ लट भी तो गई है, तो गोरी ना होगी। क्या कर रहे रे, ओ हो लाही गए गई। ये है सरसों, इसकी गाही करके यहाँ पे कितने बड़े बड़े दाने दिख रहे हैं जी। तो क्यों, कौन सी बारी है जो नगरा वाली लाई है, इतना है नगरा की लाई हट्ठा करो है इतना एक, तो मेरी कितना की निकलेगी। अयो नगरा की लाइन में तू जा रही है,
ये भी जा रहे। हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी छोटी वाली बुआ के घर पे और हम जा रहे हैं कार पे, ये कार निकलवा रहे हैं अभी। ना हम जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे और मैं रीता को चिढ़ा रही थी क्योंकि ये कार पे नहीं बैठती ना, कह रही थी कि मेरे को अच्छा नहीं लगता, चक्कर आता है। तो हम लोग सब जा रहे हैं अपनी अपनी मोटरसाइकिल पे और वो देखो भतीजे और छोटे वाले बहन जमा बोलते हैं हम लोग और बाकी पापा जी और प्रिंसी डाल रही हमारे कुर्सी। तो मैं कह रही ब्लॉग बनाने से फुर्सत मिले मेरे को, चलो ना तो चल रहे हैं जल्दी जल्दी। बुआ के घर में और यहाँ पे मैं कह रही थी ना आप लोगों से कि नामकरण प्रोग्राम चल रहा है, तो यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग। लेकिन जब तक हम आए तो नामकरण की जो रस्में होती है वो खत्म हो चुकी हैं और अभी हम लोग खाना खाने के लिए ही आए हैं ऐसा लग रहा है। ये मेरे पीछे खाना चल रहा है और ये मेरी बहन ही है इधर देख रहे। हाँ ये मेरे भैया दिख गए जिनके यहाँ हम लोग आए हैं, ये हैं वो वाले भैया बुआ के लड़के। ये मेरी बहन है नीलम। हाँ मैं इनकी बहन हूँ। फोन करो ना खाओ ना खागे कैसे ना खाएंगे, खाओ चलो मैं लेके आऊंगी। तो हम लोग खाना खाने से पहले हमें मिलेंगे ये जलेबियाँ और इनको हम लोग फटाफट से निपटा लेते हैं, तब जाऊंगी मैं खाना खाने के लिए। और मेरी बहना तो बैठ गई वहाँ खाना खाने के लिए, मैं भी निकल लेती हूँ फिर वरना मैं भूखी रह जाऊंगी। खाना खाने तो बैठ गए हैं पर अभी ये देखो मेरे रिश्ते की जलेबी ये खा रहे हैं और ये मेरी बहन है और ये भी अभी आए हैं, हम लोग भी अभी आए हैं बाकी खाना खाने बैठ गए हैं। जरूर आई मेरे से जल्दी, अभी तो आई है। अगर मेरे से जल्दी आती ना, मेरे से जल्दी आती ना तो खा चुके होते। सही बात। तो यहाँ पे आ रही है गर्मा गर्म पूड़ियाँ और सब्जी वगैरह है। पेट पूजा हमारी हो चुकी है और हम लोग अभी ऐसा लगता है चार बहने अलग ही रहते हैं हम लोग क्योंकि हम सब एक जैसे हो जाते हैं ना, बिल्कुल लल्लन टॉप। और कहने का ये मतलब कि बाकी और कोई कैमरे में आना नहीं चाहता है ना, और हम चार लोग तो कुछ ज्यादा ही एक्टिव है क्यों कैमरे में आने के लिए। हाँ खाना खा के और बस बैठे ये लोग। और पता है डीजे तो अभी ट्रॉली पे लदा हुआ है और हम लोग वेट कर रहे हैं कि डीजे लगे तो एक टुमका लगा के तब जाए। और स्पेशली ये दो लगाएंगे, ये दो नहीं ये तीन लगाएंगे टुमका, मेरे को तो आता नहीं है। इसे कौन सा नहीं आता है, अगर डीजे लगाओ तो डिसाइड कर लेते हम लोग खुद की किस किस को आता है किसको नहीं आता है। और बाकी सब लोग डांस करती, मैं मुंह देखती क्योंकि मेरे को इतना नहीं आता डांस करना, तो मैं दो तीन मिनट से ज्यादा तो डांस करती हूँ। हाँ डीजे लगे तभी तो फिर तो कह रहे डीजे लगे तो नाच है क्यों जाना। हाँ डीजे लगे तब नाच के जाना, ठीक है नाच के जाना रुक के जाना। तो डीजे लगाने में देर कर रहा हो ना तू, अभी लगवा दे रहा पहले खाना पीना हो जाए फिर ना करो डीजे लगवा दे रहा हूँ तो जिसमें ना होता तो बस डीजे लगवाना ऐसी कर रही है जिसमें कितना नाचेंगी क्यों दादा। अरे हमारी श्रेया तो डांस कर रही है। मतलब ये होता है ना कि थोड़ी भी होता है तो आप लोगों के लिए मैं डीजे वाला थोड़ा सा डांस बना देती, ये था वरना हम लोग ये देखो हमारे लिए डीजे लगवा रहे मिर्जा क्यों का। तो
अगर डीजे लगता है आप लोगों को दिखाती हूँ, और नहीं लगता है तो पता नहीं हम घर चले जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग पे, क्योंकि हो सकता है हम लोग आप लोगों को डीजे दिखा दे डांस वाला, इसीलिए डीजे लगा दे। हम लोग मिले भी नहीं है तो हम थोड़ा बात कर रहे हैं। अभी हम लोग डीजे की बात कर रहे थे कि डीजे लगने वाला है, तो डीजे तो ट्रॉली में कब से रखा हुआ था, पर अब हमें वहाँ से हटा के यहाँ बिठा दिया बोल रहा है, और डीजे लगा ही देते हैं तो आप लोगों को दिखा देंगे डीजे में जो डांस करेगा। और ये बैठी हुई है आप लोगों को अभी इनका इंट्रोडक्शन देती हूँ। ये देखो ये है मेरे मायके वाली फैमिली, ये देखो कितना शोर कर रहे हैं, मतलब मैं शोर करती रहती हूँ, ये भी ऐसे ही है, मतलब हम सब हैं तो एक ही फैमिली के, तो इसीलिए हम सब एक जैसे हैं। आप लोगों को दिखाती हूँ कि जिसकी आज जिसका नामकरण है, जिसकी हमारे इसमें बोलते हैं नामकरण को सटी, तो जिसकी सटी है आज उसको हम लोग दिखाते हैं, बिल्कुल टिप टॉप हीरो बना हुआ है। और ये एक साल का हो गया ना, हाँ ये है मेरा भतीजा, एक साल का हो गया। आप लोगों को दिखाती हूँ उनको, आज इसकी सटी हम लोग इसके नामकरण में आए हैं। इधर देख बाबू, ये देखो अपनी दी के गोद में बैठा हुआ है, और इधर देख भी नहीं रहा बाबू, इधर देख ना, टाइम है अपनी टाइम में मस्त है क्यों। तो ये हम लोग, ये हो गया है एक साल का, अभी चुपचाप बैठी है अभी मेरे पास। और बाकी ये है मेरी बड़ी वाली बुआ, आप लोगों ने देखा होगा एक आध ब्लॉग पे, और ये है छोटी वाली बुआ, और ये ताई की लड़की है, और वो वाली बड़ी ताई है, ये छोटी वाली ताई है मेरी, और ये वाली बड़ी वाली ताई की लड़की है। शशि दीदी ये वाली बड़ी ताई की लड़की है, और वो मेरी दोनों बहनें हैं छोटी वाली ताई की लड़की, और वो वाली मेरी मझली वाली बुआ है वाली, और ये बैठी है ये बुआ की बहू है। और इस गुड़िया का इंट्रो देना तो भूल ही गई, ये है मेरी भतीजी, नहीं मेरी बानोतन, इधर देख खड़े होके तो दिखा दे, ये देख हेलो तो बोल दे भैया, हेलो तो बोल दे, अभी तो कह रही थी मौसी हेलो बोलूंगी, हेलो बोल जल्दी, ओ जूते दिखा रही है, कितना शर्मा आ रही है, ये हमारी बारबी डॉल पर ये बहुत ज्यादा शर्मा आ रही है। और ये आ गई मेरी बड़ी वाली बुआ की लड़की मेरी दी, दीदी नमस्ते, दीदी नमस्ते।